सत श्री अकाल। फटाफट खबरां तुसीं देख रहे हो जिते तुहानू दिखाईआं जांदीआं ने देश दुनिया मनोरंजन खेड ते व्यापार जगत दी हमसर गर्मियां फटाफट यानी तेज रफ्तार दे नाल रोजाना दी तरह रुख करदे आं। अज दी पहली खबर वल बेअंत ते बंब कांड दे दोषी बलवंत सिंह राजवाणा नूं भारी सुरक्षा हेठ पटियाला केंद्रीय जेल तो सरकारी राजेंद्र हस्पताल ले जांदा गया जिथे उन्हां दे दंदां दा इलाज चल रहा है। बलवंत सिंह राजवाणा ने कौम इंसाफ मोर्चे दे नाल कोई लैणा देणा ना देण दी गल आखी है ते तां कहा है कि मोर्चा लाउण वाले स्पष्ट करन कि उह किस पार्टी दे नाल संबंध रखदे ने। इस नाल ही राजवाणा ने स्पष्ट कीता है कि उह अकाली ने अते अकाली ही रहणगे। उन्होंने आख्या कुछ लोगों वालों मेरे बारे घटिया बयानबाजी की जा रही है। उन्होंने आख्या कि अमर सिंह चाहल एजेंसियां दा सुप्रीम कोर्ट ने सारे धर्मों के लड़कियों के विवाह की उम्र लड़कियों के बराबर करने की पटीशन खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि संविधान की रक्षक होने के नाते देश की सुप्रीम कोर्ट कोई विशेष अधिकार नहीं है। संसद को भी संविधान की राखी का यही हक है ते संसद को किसी भी कानून के सोध करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के कोई भी निर्देश देने तो साफ इनकार कर दिया है ते सारे धर्मों के लड़कियों के विवाह की उम्र 21 साल के लड़कियों के बराबर करने की पटीशन भी खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आख्या है कि यह कानून च सोध का मामला है। अजिहे च सुप्रीम कोर्ट संसद को इस मामले च कानून लियाउण का हुक्म नहीं दे सकती। जेकर सुप्रीम कोर्ट विआह लई घट्टो घट्ट उम्र 18 साल के नियम रद्द करती है तो विआह लई घट्टो घट्ट उम्र नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले च पटीशन दायर करने वाले भाजपा नेता अते वकील अश्वनी उपाध्याय नूं कहा है कि सियासी मंच नहीं है, सानू यह ना सिखाओ कि संविधान के रक्षक वजो सानू की करना चाहिए। पाकिस्तान दे विच भयानक हादसा वापरिया है जिथे कि पाकिस्तान के चकवाल रोड एक्सीडेंट जिले में एक बस खड्ड में डिगी है ते बस खड्ड डिगण के कारण 12 लोगों की मौत हुई है जबकि 65 लोग होर भी जख्मी दसे जा रहे हैं। यह हादसा टायर फटन के नाल वापरिया है। बस का टायर फटन कारण ड्राइवर बस से काबू नहीं कर सके जिस कारण बड़ा हादसा वापरिया है। सूत्रों ने पुष्टि की है कि बस का टायर फटन के नाल बस कंट्रोल तो बाहर हुई तो खाई चिड़ी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंचे जिस तों बाद तुरंत बचाव कार्य शुरू कर दिए गए। जख्मी यात्रियों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल दाखिल करवाया गया। प्राप्त जानकारी अनुसार बस पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद तो लाहौर जा रही थी। दसिया जा रहा है कि बस एक ब्याह समागम के शामिल होने के लिए सवारियां लेके जा रही थी। घटना कलनकाहर के नमकीन रेंज इलाके वापरी है। रात को विजिबिलिटी घट होने के कारण पुलिस और बचाव टीमों लोगों बस विचों बाहर कढ़ने में मुशक्कत काफी पेश आई। रोहित शर्मा की अगुवाई के बार्डर गावस्कर ट्रॉफी में भारत शानदार प्रदर्शन जारी है। दिल्ली खेडिया गया दूजा टेस्ट भी तीजे दिन खत्म होया ते भारत ने आस्ट्रेलिया 6 विकटां दे नाल हराया। इस तरह भारतीय टीम ने 4 मैचों की सीरीज 2-0 की बढ़त बना ली है। जित तो बाद भी टेस्ट टीम के उप कप्तान केएल राहुल कई दिग्गजों के नाल प्रशंसकों के निशाने ते ने उन्होंने टीम तो बाहर करने की मांग की जा रही है। साबका भारतीय तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद ने भी उन्होंने कप्तानी तो हटाने की गल कही है पर कप्तान रोहित तो अलावा कोच राहुल द्राविड ने भी राहुल का बचाव किया। बीते दिन तुर्की ते सीरिया दे विच आए भूचाल तो बाद दिल नूं तहलका देण वालियां बहुत सारियां तस्वीरां सोशल मीडिया ते वायरल हो रहियां ने। चारों पासे लाशां दे ढेर नजर आ रहे ने। हस्पतालां दे विच लाशां रखण दी कोई थां नहीं है ते दुनिया दे 100 तो वध देशां ने तुर्की ते सीरिया विच बचाव कर्मचारी भेजे ने जो मलबे च फसे लोगों नूं बचाउण लई दिन रात काम कर रहे ने। इस दौरान कई चमत्कार भी देखण नूं मिल रहे ने। दरअसल हुण इक खबर सामने आई है कि एक व्यक्ति नूं 11 दिनां पिछों मलबे चों जिंदा बाहर कढ़िया गया। इस दौरान उह 1.5 हफ्ता बिना खाधे पीते किवें जिउंदा रहा यह किसी हैरानी तो घट नहीं है। उसकी वीडियो भी सोशल मीडिया से काफ़ी वायरल हो रही है। भारतीय किसान यूनियन एकता डकाउंदा दा हज़ारा किसानों का काफिला सिख जथेबंदियों समेत बुद्धिजीवियां समाजिक कारकुना विद्यार्थियों धार्मिक घट गिणतियां दलितों की रिहाई की मांग नूं लै के मनजीत नेर की अगुवाई दे विच कौम इंसाफ मोर्चा च शामिल होया। यह हज़ारा जुझारू किसानों का काफिला गुरद्वारा साहब शहीदा सुहाणा विखे इकट्ठा होया है ते इस समय संबोधन करदे मनजीत सूबा प्रधान धनेर हरनेक सिंह वहमा हरीश नड्डा अंग्रेज सिंह आदि आगुआ ने कहा है कि केंद्रीय अते राज सरकार दोहरे मापदंड अपना रही है। एक पासे बलात्कारियों नूं छड्डिया जा रहा है दूजे पासे सजावां पूरियां कर चुके सिख बंदियां समेत बुद्धिजीवियां समाजिक कारकुना विद्यार्थियों धार्मिक घट गिणती दलितों के वासियों साल बद्दी समय तो जेलों च डक के रखा होया है ते मनुख के मुढ़ले बुनियादी हकों के उत्ते हमला है। आगुआ ने आख्या कि किसान मंगा लई संघर्ष करन दे नाल नाल मनुख के जीवन जीवन के मुढ़ले अधिकारों उत्ते बोले हमले खिलाफ भी अपना फर्ज समझते हुए अज कौम इंसाफ मोर्चे वाले सिख बंदियों की रिहाई लई वड्डे संघर्ष के शमूलियत करने लई पहुंचे हैं। आने वाले समय के साडी जथेबंदी वालों कौम इंसाफ मोर्चे नूं हमायत जारी रहेगी। तो याद रहे कि अज की शमूलियत संयुक्त किसान मोर्चे के शामिल पंजाब दी 32 किसान जथेबंदियों वालों दिता गया। UPFDF अते गुलावटी पुलिस की सांझी कार्रवाई के 1.25 लाख का इनामी अपराधी साहिब सिंह मारिया गया। साहिब सिंह से
कोंडा पुलिस ने 1 लाख ते बुलंदशहर पुलिस ने 25,000 का इनाम ऐलान किया। साहिब ते दो नवजमे बच्चों समेत 5 लोगों की हत्या का दोष है। मारिया गया बदमाश फिरोजाबाद के जसुराणा थाना अधीन पेंदे पिंड सचेती का रहने वाला। पिंड पति धालीवाल सुधार के 12 साल तक कबड्डी कप करवाने वाली कलगीधर यूथ वेलफेयर एंड स्पोर्ट्स क्लब को सिद्धू मूसेवाला समर्पित 13वां कबड्डी कप अज अंतवाटी रद्द करना पड़ा। 4 मैच खेडन तो बाद कबड्डी टीमों ने मैदान में उतरने तो इनकार कर दिता है। शहीद बाबा बंदा सिंह बहादुर यादगारी कबड्डी टूरनामेंट का 13वां कबड्डी कप शुभदीप सिंह यानी सिद्धू मूसेवाला की याद में समर्पित किया गया सी, जिस विच वड्डी इनामी रकम तो अलावा बेहतरीन धाविया ते जाफी नूं सिद्धू मूसेवाला दे पसंदीदा 911 ट्रैक्टर इनाम वजों दिते जाने सन। इस टूरनामेंट दे विच सिद्धू मूसेवाला दे पिता बलकौर सिंह नूं मुख मेहमान दे वजों बुलाया गया, पर कबड्डी टीमों ने बलकौर की हाजिरी विच खेडन तो इनकार कर दिता ते बलकौर सिंह संखेप भाषण दे के कुछ समय बाद उतों रवाना हो गए। पाकिस्तान जो कि पहला ही आर्थिक तंगी दे नाल जूझ रहा है कि पाकिस्तान सचमुच दिवालिया हो चुका है। जी हाँ दसिए सवाल पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का वीडियो जिहड़ा सामने आया उन तो बाद ही चुकया जा रहा सवाल। इस वीडियो दे विच रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान नूं दिवालिया दसदे हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट दे विच एक प्रोग्राम संबोधन करदे दावा किया है, आख्या कि पाकिस्तान पहला ही दिवालिया है अते असी दिवालिया देश दे विच रह रहे हैं। हालांकि उन्होंने इस नाल ही पाकिस्तान नूं मुड़ उभरन का तरीका भी समझाया, पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा कि तुसी लोकां नूं इह गल करदे सुनिया होवेगा कि पाकिस्तान दिवालिया हो गया, आर्थिक मंदहाली हो रही है ते पता नहीं कदों देश इस तों उभर सकेगा। सो इस तरह फटाफट खबरां, हुण मैनूं दिओ इजाजत, धन्नवाद।